जाफरान द मेगा मार्ट में पाए हर प्रोडक्ट पर 5-50% डिस्काउंट। पर्सनल एंड बेबी केयर, ग्लॉसरी, ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स, डेयरी एंड बेवरेज, होम एंड किचन, राशन का हर सामान मार्केट से कम दाम। द मेगा मार्ट जाफरान। आप जाफरान मेगा मार्ट के वेबसाइट या कॉल करके घर बैठे ऑर्डर दे सकते हैं। COD और UPI पेमेंट अवेलेबल। फ्री होम डिलीवरी। आप मोबाइल में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जनता के लिए नियमों का पालन न करने की बात करते हुए लॉकडाउन की चेतावनी दी है, तो उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने उद्धव ठाकरे को नसीहत देते हुए गरीबों का दर्द याद दिलाया और कहा, उद्धव ठाकरे जी, लॉकडाउन से पहले ज़्यादा दर्द गरीबों को और प्रवासी मजदूरों और छोटे उद्योगों को होता है। शुरुआत में लॉकडाउन इसलिए लगाया गया था ताकि अस्पताल सेवाओं के लिए ढांचा तैयार हो सके, ढांचा तैयार करने के लिए समय मिल सके। आनंद महिंद्रा ने उद्धव ठाकरे को सिर्फ याद नहीं दिलाया बल्कि सभी सरकारों को एक संदेश दिया कि लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है बल्कि पहले से और ज़्यादा अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ सकता है। ये सही है कि जनता को कोरोना का नियम पालन करना चाहिए, लेकिन यही नियम नेताओं को भी करना चाहिए। जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहाँ लाखों की रैलियाँ की जा रही है, सभी दलों के नेता अपना भारी भीड़ दिखाकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कोरोना का एक तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। बहरहाल मुंबई महाराष्ट्र में दोबारा कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है। आज BMC ने गाइडलाइन जारी की है, मुंबई में 80% प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड रिजर्व कर दिया है और 100% ICU रिजर्व कर दिया है, यानी बेड को रिजर्व कर दिया है। ये गाइडलाइन कोरोना पेशेंट के लिए निर्णय लिया गया है। तो मुंबई में कुल 16,247 बेड उपलब्ध हैं, जिनमें से अभी 4,229 बेड खाली हैं और ICU की संख्या है 1709, जिनमें से 438 अभी बेड खाली हैं। तो बहरहाल सरकार चेतावनी दी है, जो गाइडलाइन दी है उसको पालन करें, अन्यथा सरकार की मजबूरी होगी फिर से लॉकडाउन करने की। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।